हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को सुपर टेट यानी बीपीएससी इसी महीने जारी कर सकता है सुपर टेट नोटिफिकेशन। अब बीपीएससी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम आपसे बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आप लोगों के बीच। तो आप लोगों को क्या क्या सैलरी होगा, क्या सिलेबस होगा, इसको लेकर भी चिंतित है। तो हम आपको सारा चीज़ बारीकी से बता देते हैं। बीपीएससी केंद्रीय कृत तरीके से लेगा आवेदन। अब आवेदन को लेकर भी आप लोग चिंतित हैं और सिलेबस क्या रहेगा, तो हम सब चीज़ पर बारीकी से बात कर लेते हैं। वीडियो का स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए क्या है सुपर टेट। बीपीएससी इसी महीने जारी करेगी सुपर टेट परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक बहाली नियमावली बिहार सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। सरकार द्वारा जारी की गई नई नियमावली के अनुसार सातवें चरण शिक्षक बहाली है। उसके बाद के सभी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सभी उम्मीदवारों को सुपर टेट परीक्षा देना अनिवार्य होगा। सुपर टेट परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे उन्हीं को सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए योग्य माना जाएगा। जब से सरकार द्वारा नई नियमावली के अंतर्गत सुपर टेट परीक्षा की बात कही गई है, तब से सभी उम्मीदवारों में आंदोलन की आक्रोश बढ़ी हुई है। उम्मीदवारों का कहना है कि जब तक हमने सरकार द्वारा पहले से तय सभी पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं तो फिर से परीक्षा क्यों देनी होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि सुपर टेट परीक्षा के बिना शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीके से होना असफल के समान ही होगा, इसलिए उम्मीदवारों को सुपर टेट परीक्षा देनी होगी। यहाँ है सुपर टेट पर टेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका। तो शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा और बिहार सुपर टेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन माना जा रहा है कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी 100 अंकों की होगी। आपकी एग्ज़ाम जो होगा वही 100 अंकों की होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और परीक्षा के आधार पर चयन आरक्षित वर्ग का कटअप 45% जबकि सामान्य वर्ग का कटअप 50% रखा जाएगा। हालांकि जल्द इस पर स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। सिलेबस क्या होंगे, तो बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली के लिए आयोग शिक्षक परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। हालांकि परीक्षा के सिलेबस एवं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसी महीने के अंत में बिहार सरकार द्वारा जारी की जाने की पूरी संभावना बताई जा रहा है। 40,000 से 45,000 तक होंगे शिक्षक वेतन। हाई स्कूल के शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 से लेकर 34,000 का हिसाब होगा। DA और HRA जोड़ने पर लगभग 45,000 से 50,000 प्रतिमाह सैलरी होगी और प्रारंभिक शिक्षकों की मूल सैलरी 27,000 से लेकर 29,000 की दर से प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन 40,000 से 45,000 हो सकती है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो उनका भी वेतन न्यू शिक्षक से अधिक होगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन। बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षकों की रिक्त मिलने से एक माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 15 दिनों में रिक्ति मिल गई है तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगा। मेरिट के आधार पर च्वाइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति के से अंतिम रूप से तय करेगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से एग्ज़ाम लेगा। तो कैसी लगी हमारी खबर, अगर अच्छा लग गया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
और सुपर टेट सी टेट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले हम आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।